भदोही से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। तहसील सभागार में सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्या ने सुनी समस्याएं। ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्या श्रीमती छाया देवी सोमवार को जनपद भ्रमण में भदोही पहुंची, जहां उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय की सफाई कर्मचारियों से तहसील सभागार ज्ञानपुर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की वेतन एरिया सहित अन्य समस्याओं को सुनकर उसे दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही वेतन से ईपीएफ कटौती व साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के संबंध में बातचीत कर कोविड महामारी के समय तक सफाई कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए आश्वस्त भी किया। माननीय सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग श्रीमती छाया देवी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की सभी सफाई कर्मचारियों का मानदेय समय से देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी संविदा कर्मचारियों की माह में 4 छुट्टियां अवश्य दिया जाए। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य श्रीमती छाया देवी ने सर्दियों के समय महिला सफाई कर्मचारियों को स्वेटर तथा पुरुष कर्मचारियों को गर्म कपड़े दिए जाने का निर्देश अधिशासी अधिकारियों को दिया। सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में आ रही अनियमितताओं को शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को समय से वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दैनिक कर्मचारियों व वार्डों में ड्यूटी वेतन एरिया साप्ताहिक छुट्टी सहित अन्य समस्याओं का संयमबद्ध निस्तारण किया जाए। इसमें जिस स्तर पर लापरवाही होगी तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएंगी। श्रीमती छाया देवी ने आज सोमवार को तहसील सभागार ज्ञानपुर में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवर की सफाई के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाए, किसी भी स्थिति में किसी सफाई कर्मी को सीवर में उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग संविदा सफाई कर्मियों के मानदेय से नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई काटा जाए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सभी कर्मियों को भुगतान हुआ है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि नियमित व संविदा सफाई कर्मचारियों के देयक यदि लंबित है तो उसके स्पष्ट कारणों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने उपस्थित सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना तथा नियमानुसार समय से उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्रीमती छाया देवी वाल्मीकि दैनिक कर्मचारियों व वार्डों में ड्यूटी वेतन एरिया साप्ताहिक छुट्टी सहित अन्य समस्याओं के बारे में आप द्वारा हमें जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है, हमें अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। वही जीवन की सुरक्षा के लिए सफाई अत्यंत आवश्यक है। जीवन का मूल मंत्र ही स्वच्छता होना चाहिए। बैठक के दौरान एक महिला प्रार्थिनी ने जनपद में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए मांग पत्र दिया। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात रखने की बात कहकर प्रार्थिनी को आश्वस्त किया। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवीय, डूडा अधिकारी शशि कुमार मनहोस्त्री, अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सामने बातें आई हैं, समय से इनको वेतन दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों से पूछने के बाद लगा यहाँ पर किसी भी प्रकार की उत्पीड़न उनके साथ नहीं हो रहे हैं। कुछ आदेश मैंने अधिकारियों को दिए हैं, जैसे कि इनको वर्दी नहीं देना, महिलाओं को कम से कम दो साड़ियाँ इनको दी जाएं, जाड़े में इन्हें गर्म कपड़े दिए जाएं, और एक महीने में इनकी 4 छुट्टियाँ कम से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर पता चला कि छुट्टियाँ नहीं दी जाती हैं, इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि इन्हें 4 छुट्टी दी जाए और किसी भी प्रकार से इनकी कटौती न की जाए। पीएफ का पैसा, कुछ कर्मचारियों ने बताया कि पीएफ के पैसे की जानकारी इनको नहीं है, इनके खाते में नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनको मैंने आदेश दिया है कि इसकी जांच करा करके सारे कर्मचारियों को पीएफ का पैसा दिया जाए। अगली बार मैं समीक्षा बैठक में आऊंगी तो मुझे
जो थोड़ी कमियां दिखाई पड़ी हैं, ये सारी कमियां दुरुस्त दिखाई पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तमाम सरकारी योजनाओं को चला रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ भी इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को मैम अभी किस संबंध में ये मीटिंग होती है? आज ही में प्रोटोकॉल के तहत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए 20/9/2021 यहाँ पर मैंने इस भदोही सभागार में अधिकारी गण एवं कर्मचारियों के साथ बैठक ली।